आजकल लोग सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना नुकसानदेह होता है? जी, जो फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं टू इंक्रीज योर सेक्सुअल टाइम, वो दो फॉर्मेट्स में आते हैं। नंबर वन, जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको दिए जाते हैं एज एन एफ्रोडेजिक। नंबर टू होते हैं कुछ स्प्रेज जो आपको सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं ताकि लॉन्ग टर्म यू कैन प्ले। सो दोनों ही फॉर्मेट्स में अगर आप देखेंगे कि अगर आप इन इस टाइप के मेडिकेशंस का, पिल्स का या स्प्रे का यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म पे नंबर वन, दीज पिल्स हैव गॉट देयर ओन इननेट साइड इफेक्ट्स। बहुत सीवियर हेडेक होता है, हैवी हेडेडनेस जैसा है, बीपी बढ़ा देता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नंबर टू, अगर आप डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हो टू इंक्रीज योर एक्ट, तो बॉडी कहीं ना कहीं उसकी अभ्यस्त हो जाएगी और आपको उसकी फिर इवेंचुअली आपकी जो सेक्सुअल प्लेजर है वो नेचुरल फॉर्मेट में कम होता जाएगा। तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन मोर ऑफ अ कॉर्डियल एंड सेक्स इज अ वेरी मेंटल थिंग। इट्स नॉट द फिजिकल एक्ट, इट कम्स फ्रॉम ब्रेन। सो इफ़ यू पीपल आर मेंटली इन सिंक, आप उनको दोनों एक बहुत हारमोनियसली आप रहते हो और उस समय पर एक दूसरे को आप या फोर प्ले या फॉन्डलिंग करते हो, प्रिपेयर करते हो, अरोजल करते हो थ्रू नेचुरल मीन्स, दैट इज़ मोर रिकमेंडेड। इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड इफेक्ट एज फार एज द क्वालिटी ऑफ सेक्स इज कंसर्न। दीज ड्रग्स इफ टेकन हेल्प फॉर सम मेडिकल इंडिकेशन कैन बी ऑफ सम बेनिफिट, बट इन लॉन्ग टर्म दे हैव गॉट अ वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन योर सेक्सुअल लाइफ। सेक्स में मतलब बच्चा ना हो इसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मार्केट में हैं, कंडोम का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल, या फीमेल्स के लिए जो तरह तरह की चीज़ें बाजार में मौजूद हैं, ये लॉन्ग टर्म कितना नुकसान देती हैं? इफ यू यूज अ कॉन्डम फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, इट आई डोंट थिंक देयर इज गॉट एनी, इट्स अ वेरी हाइजीनिक, इट प्रिवेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम द फर्टिलिटी, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है उसके भी वो आपको बचाव करती है। तो यूजिंग अ कॉन्डम फॉर प्रिवेंशन फॉर फर्टिलिटी इज अ गुड प्रैक्टिस, इट कीप्स यू, मतलब प्रोवाइडेड यू यूज इट एवरी टाइम। उसमें आपको कस्टमाइजेशन नहीं करना कि मैं ड्यूरिंग फर्टाइल विंडो करूँगा या कैलेंडर मेथड यूज़ करूँगा, अभी नहीं करूँगा तभी नहीं करूँगा। इफ़ यू आर यूजिंग वन मोडालिटी, यू हैव टू यूज़ दैट मोडालिटी रिलीजियसली। और कॉन्डम, यूजिंग कॉन्डम एज अ बैरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रोसेप्शन इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, एज आईव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन टू बोथ द पार्टनर्स। फॉर फीमेल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स आर अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल फॉर टेम्प्ररी बेसिस ऑफ फर्टिलिटी थिंग्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म में पाया जाता है इफ यू यूजिंग इट मोर देन 8 ईयर्स, स्टडीज हैव कम दैट देर कैन बी अ चांसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी अंडर सम सुपरविजन ऑफ योर क्लिनिशियंस बिकॉज दे आर हॉर्मोन मीडिएटेड। बट इफ़ यू गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म, आपको 6 महीने के बाद में दूसरा बच्चा चाहिए या आपका 2 साल के बाद चाहिए, सो अदर मोडालिटीज ऑफ टेम्प्ररी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लाइक IUCD, कॉपर टी लगवा लेते हैं, वो भी अच्छा होता है, प्रोवाइडेड यू मेंटेन प्रॉपर एवरी एवरी इंडिकेशंस एंड एवरी फॉर्म, एवरी जो हमारा टेक्निक है इट कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस। सो इफ़ यू फॉलो दोज टर्म्स एंड कंडीशंस स्ट्रिक्टली, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, अगर आप कॉपर टी लगाते हैं तो आपको हाइजीन का, इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं IUCDs के साथ में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के इंस्टेंसेस थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। So these modalities are there long term basis, but they can create some indigenous challenges, but definitely abortion is not safe. So if you're using a contraceptive pills and methods to avoid unwanted pregnancies, this is a better to use it under supervision with proper your aapke jo gynecologist hoti hai usse aap proper examination kara ke unke advices ke sath mein apna health checkup kara ke aapke hormones ki mein kaisa आपका आपका लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब चेक करा के आप ले सकते हैं।